बज रहे हैं रात के 12:08 और अभी भी तो लोगों की चहल पहल अभी भी इसी तरह बनी हुई है। अब जाके ढोल बंद हुआ है तो हम चले हैं सोने। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू SS11 ब्लॉग्स। मैं हूं आपकी प्यारी सुनीता। उम्मीद करती हूं कि आज आपका दिन शुभ मंगलमय होगा, क्योंकि मेरा दिन तो बहुत ही मस्त और बढ़िया है। ऑफकोर्स होगा ना। ये देखिए बाहर का माहौल, ये देखिए ढोल, ये देखिए श्रद्धालुओं की खुशियाँ, जिस तरह से वो गुरुद्वारे जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर मेरा दिन शुभ नहीं हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बाबा बड़भाग सिंह जी की बहुत बहुत मेहर है, आप कर भी यही कृपा बनी रहे। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ स्वस्थ और मस्त। मेरे हाथ में आ गया है झाड़ू और सुबह सुबह ढोल की ध्वनि से आप उठते हैं। तो सुबह सुबह आपको ढोलक की ध्वनि से उठते हैं। अब बस ये रौनक मेरे ख्याल से और 4-5 है, क्योंकि 8 को होली है और होली के दिन चढ़ जाएगा बाबा देरा सिंह के यहाँ पे झंडा। झंडे की चढ़ाई होते ही ये जो रौनक है सब चले जाएगी। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ एकदम स्वस्थ और मस्त। इस वक्त मार रही हूँ झाड़ू। गाइज, अभी मुझे इनविटेशन आया है गोलगप्पे खाने का। मतलब दोस्तों, ऐसा था ना कि जिस गली से भी जाओ हर घर में संगत का कीर्तन चला हुआ था। इतना पॉजिटिव कीर्तन था। ऑफ कोर्स मैं आपको कीर्तन के अंदर नहीं ले जा सकती थी, इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है बताऊंगी मैं आपको कभी फुर्सत में। सत श्री अकाल नैंसी, आई गई। मैं आ गई। तो गाइज, यहाँ पे मुझे इनविटेशन मिला है गोलगप्पे खाने का और मैं आ गई हूँ दौड़ दौड़ के। मैं गई थी ऊपर। किसने बनाए गोलगप्पे? देख कैसे बात करती है। ये है वो लड़की। खा कैसे कर रहे पर हम लोग यहाँ पानी पूरी बोलते हैं, और मैं तो खा के आई थी मूली के पराठे, पर अब मैं खा रही हूँ गोलगप्पे। गाइज, ये है। अब तो कुर्सी दे दी। बस एक ही रहते हैं, हम रहते हैं तो पानीपुरी बोल देते हैं, ऐसे तो गोलगप्पे बोल देते हैं। हाँ, सो गाइस, ये है गोलगप्पे और पानीपुरी। आज तो मेरे गोलगप्पे हो ही गए हैं। बेलपुरी। दोस्तों, आज हमारा टुल्लू पंप का काम भी खत्म हो जाएगा, इससे एटलीस्ट पानी टंकी में चढ़ाएंगे तो हम लोग को टॉयलेट में ऐसे डब्बे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स सी, शुरुआत हो जाए इसकी। और इनके बूफर्स देखे कैसे बज रहे हैं, जूम यहां तक वाइब्रेशन आती है। सबके पास ऑसम बूफर्स हैं, स्पीकर्स हैं। मतलब हम तो एक सोनी को लेके उछलते रहते हैं बॉम्बे में, बट माय गुडनेस, इनके स्पीकर कैन यू बीट इट की टंकी से बज रहे हैं और वाइब्रेशन यहाँ तक फील होती है, जन। तो आज यहाँ पे लंगर है आलू पूरी का, तो वही कह रहा है आ जाओ जी आ जाओ, आलू पूरी खा जाओ, शक्को पता नहीं कुछ तो गाना गा रहा है। और ये लड़का ना बहुत ही पॉजिटिवली बुलाता है। मैं इसके पास शाम तक तो ज़रूर जाऊँगी, मेला ख़त्म होने से पहले इससे मिलना ज़रूर है मुझे, क्योंकि मैं बहुत दूर से ये वीडियो ले रही हूँ। पर इसकी वॉइस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि घर तक सुनाई देती है।
आ जाओ जी आ जाओ, आलू पूरी खा लो। तो गाइज ये है कड़ा प्रसाद की देख। अब ये चले हैं गुरुद्वारे, ये पूरी संगत अभी जाएगी गुरुद्वारे में और ये प्रसाद बाबा जी को चढ़ाएंगे। आधी संगत प्रसाद चढ़ा के आ गई। तो गाइज ये देख रहे हैं आप डेरा बाबा जी, ये जो सामने जो झंडा है ना, ये जो सामने एक बड़े से, तो ये जो झंडा है ना गुरुद्वारे के सामने, ये उतरेगा और नया झंडा चढ़ेगा और इसके बाद में मेला ख़त्म हो जाएगा। तो लोग ये भी झंडे को देखने आ रहे हैं और होली का फंक्शन करने आ रहे हैं। यहाँ पे तो सूखे रंगों से होली होती है, तो अच्छा है कि यहाँ से गुरुद्वारा मेरे बहुत नज़दीक है, तो मैं आपको ये दर्शन भी बहुत जल्दी कराऊँगी। आज तो घर पे ही हूँ, आज कहीं जाने का प्लान नहीं है। ऑफकोर्स चाय पीने के लिए तो दूध लाना ही है, नहीं तो आज हमारा प्लान था कि बच्चों के साथ में थोड़ा मेला देखने के लिए और बच्चों को थोड़ी शॉपिंग कराने के लिए, लेकिन अब तो मैंने मना ही कर दिया और कविता ने भी मना कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। संडे है ना आज। तो गाइस मैं चली हूँ थोड़ी सी सब्जी और टमाटर लाने, ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अब मेले की एक फ़ायदा तो ये होता है कि यहाँ पे रौनक बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे गंदगी, यहाँ पे बेइंतहा गंदगी, पूरा खिचपिच खिचपिच। थैंकफुली यहाँ पे किसी ने पॉटी नहीं की है, सिर्फ शिशु की स्मेल आ रही है। बट अब यहाँ पे लंगर हो रहा है। मुझे भी मासी बोलने वाला कोई है। अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये है छोटू और ये खा रहे हैं आलू के पराठे। ले लू ना, क्या हूँ मैं तुम्हारी? हाँ बच्ची थी ना ये मेरी, तो कभी आएगी मासी से मिलने? ऐसी रहेगी, ऊपर ही ऊपर रहेगी। फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ देखो दो रिलेशन है, इनकी मैं दीदी हूँ और इनकी मैं मासी। होली का रंग, होली के रंग आने का यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रिलेटिव मिलते रहते हैं। और ये देखो ये क्या क्या है, ये घुंघरू क्यों? ये बच्चों के लिए है, पैरों के। अच्छा कैसे है ये? 10 रुपए का। मुझे लगता है मुझे मेरे डॉग्स के लिए ले लेना चाहिए, अभी तो मैं सब्जी ले आती हूँ, इसीलिए फिर मैं यहाँ पे ना बीच बीच में रुक। और यहाँ पे देखो लंगर चल रहा है, एक और खाने का लंगर, शायद दाल राइस। फिर भी बच्चे खा रहे कुल्फी, मैं चलती हूँ अपनी सब्जी लाने। मैं आ गई अपनी दुकान में, आज तो काफ़ी वेराइटी में फ्रूट्स हैं। एप्पल है, शिमला मिर्च है, बैंगन है। छोटे छोटे बच्चे भी कब बड़े हो गए हैं, अभी इनको पहचानने में भी। वीडियो बना लूँ ना, ब्लॉग बना रही हूँ मैं। वैरायटी की मिल रही है और फ्रूट्स, सबसे ज़्यादा संतरे एप्पल ले लिया मैंने, पर भैया है कि प्राइस कम नहीं करते। यहाँ पे फ्रूट्स, और बेस्ट पार्ट है कि हम लोग देख लेते हैं वेजिटेबल तो ठीक है। कश्मीरी फ्रूट्स, कश्मीरी एप्पल, किनोरी एप्पल, कोई तो एप्पल है। और ये बीट रूट,
चलो आज कुछ नहीं तो यही दिखाती हूँ मैं आपको ब्लॉग में, ग्रेप्स सतिंदर शॉप। मुझे हिसाब किताब का पता नहीं, पर छोड़ यहाँ पे अच्छी रीजनेबल रेट्स में मिलती है। तो गाइस ये है रोटियों की सेवा, ये क्या मस्त बना रही है। इस तरह से भंगड़ा डाल रहे थे सब, मैं तो वहाँ चले गई क्योंकि जहाँ ढोल बजता है मेरे पांव तो थिरकने लगते हैं। पर ऑफ कोर्स ये होली मेरी वन ऑफ द बेस्टेस्ट होली है। आई एम मिसिंग माय फैमिली, मैं बॉम्बे के सब मेंबर्स को बहुत मिस कर रही हूँ, बट जय बाबे दी बेस्टेस्ट होली। अब तो आपको और भी अच्छा नज़ारा मिलेगा कल या परसों जब बाबा जी का झंडा चढ़ेगा, तब वहाँ के नज़ारे देखें। बुलाया कीर्तन रिकॉर्ड करने के लिए, मैं थोड़ी देर कीर्तन रिकॉर्डिंग करूंगी, बाकी का नहीं करूंगी क्योंकि बाकी का रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। बाबे तो मिल रही है, बस रहने दे। जाओ तुम, मैं बात आऊंगी ना, पैसे नहीं मिलेगा ना, तुम्हें खाली हाथ मत आने देते। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब संगत चल पड़ी है गुरुद्वारे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। ढोल बजाते अपने अपने हाथ में कैंडल लिए हुए हैं इन्होंने, और बाबा जी की बेग भी रखी हुई है सर के, और अब हम चल पड़े हैं दर्शन करने के लिए रात को मेरा बाबा बलराम सिंह। उनके दर्शन बहुत अच्छे होंगे और उनकी मनोकामना जिस तरह से बाबा जी ने पूरी।
ब्लॉग के लिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों ये संगत जा रही है गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए, जोत देखने, बाबा जी के दर्शन करने, ढोल बाजी के साथ में। आप दूसरी जगह दिखा दें। दोस्तों देखा आपने किस तरह से साथ संगत, कितना खुशी का माहौल, बंगड़े, सबने अपने अपने ढोलक किए हुए हैं। अब ये सब जाएंगे रात को जोत लेके, दिया जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और देह कड़ा प्रसाद की देह लेके बाबा जी को मत्था टेकने जाएंगे। और दो दिन के बाद में शायद बाबा जी का झंडा चढ़ेगा, उसकी भी मैं अपडेट आपको देती रहूंगी। तब तक आप प्लीज डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। शेयर करो, वीडियो देखो, कैसा लगा हमारे हिमाचल का, बाबा बड़वाग सिंह का कैसा लगता है मेला, ये आप देखो और शेयर करो। यस।